हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 30th ऑफ अक्टूबर 2024 और हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में दिन भर क्या मूवमेंट रहा, किस तरह से हमने ट्रेड प्लान किया है, ट्रेड को प्लान करने से पीछे क्या लॉजिक होता है, किस तरह से ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मेरी जो प्रायोरिटी होती है, जो मेरा फोकस होता है, वो ये नहीं होता है कि दोस्तों मैं आपको बैंक निफ्टी की जानकारी दूं, क्योंकि दोस्तों मार्केट में आज जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सब के सब बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करते। कोई निफ्टी में कर रहा होगा, कोई फिन निफ्टी में कर रहा होगा, कोई मिड कैप निफ्टी में कर रहा होगा, कोई बैंकेक्स में कर रहा होगा, कोई सेंसेक्स में कर रहा होगा, कोई कमोडिटी में कर रहा होगा, कोई फॉरेक्स में कर रहा होगा, किसी भी चीज में कर रहा होगा ट्रेड, है ना। मेरा जो मोटिव है कि मैं आपको प्राइस पर इतना एक्सपर्ट बना दूं, प्राइस पर आपकी इतनी अच्छी एक्सपर्टीज हो जाए, चाहे आप किसी भी चार्ट में, किसी भी कमोडिटी हो, चाहे फॉरेक्स हो, किसी भी आप मार्केट में काम करें, ये हर जगह काम करे। बेसिकली मैं हूँ बैंक निफ्टी का ट्रेडर, तो मैं बैंक निफ्टी का मैं चार्ट ओपन करता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि ये जो प्राइस एक्शन है ये कहीं काम नहीं करेगा। पहली बात तो ये, वीडियो को देखने से पहले आप सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज पेन और नोटबुक लेकर बैठे, जो जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगेंगी प्लीज उसे नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों एक ट्रेडर हूँ, सुबह से लेकर शाम तक ट्रेड करता हूँ, तो डेली जो मार्केट में ऑब्जेक्शन जो हैंडलिंग होती है, किस तरह से मैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करता हूँ मार्केट में जो आता है, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। एट द सेम टाइम एक ट्रेडर के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको जो साइकोलॉजी होती है ट्रेड के बिहाइंड, वो सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। इसको बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये प्राइस एक्शन की सीरीज चल रही है, तो आप लोग हर दिन बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस आखिरी गुजारिश मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है। इसके बाद आपको किसी और चैनल, किसी और वीडियो को देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो आप देख सकते हैं, बट आप किसी और चैनल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप स्ट्रगल कर रहे थे आज तक मार्केट में। आप इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, आप स्ट्रेटजीज, इन सारे जाल में फंसे हुए थे, अब सर दोस्तों उन जाल से आपको छुटकारा मिल गया, बाहर निकल गए हैं, क्योंकि अब आप आ गए हैं प्राइस एक्शन के एक ट्रेडर के पास। यहां पर आपको प्राइस एक्शन की छोटी छोटी बारीकियां आपको मिलने वाली हैं, सीखने वाले हैं आप, और अब वो जो स्ट्रगल है वो आपका, वो स्ट्रगल का पीरियड खत्म। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो पहली बात तो ये दोस्तों देख लीजिए, आज जो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो पिछले दिन से 513 पॉइंट नीचे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अभी मार्केट जो है देख पा रहे हैं एक रेंज के अंदर में है, ये देख पा रहे हैं रेंज, ठीक है, मैं जरा चार्ट को बीच में ला देता हूं, ये जरा देखिए ओवरऑल रीडिंग मैं कर देता हूं ताकि आप समझ पाए। यहां से मार्केट गिरा है, मार्केट देखिए यहां आया था, यहां मार्केट नीचे आया था, फिर मार्केट यहां ऊपर गया, फिर मार्केट यहां नीचे आया, ये देख रहे हैं सेम जगह सपोर्ट ले लिया मार्केट, और अभी वापस देख रहे हैं मार्केट यहां पहुंचा है। अच्छा, ये मैं रीडिंग करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूं, जो इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे शायद उनको नहीं मालूम होगा, तो मैं समझा दूं। दोस्तों, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो मार्केट एक फॉर्मेशन को फॉलो करता है, इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है, और इस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हायर हाई कहते हैं, देन हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये इस तरह से ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है मार्केट का। हो सकता है मार्केट कभी ऐसा कर सकता है कि हायर हाई बनाए, हायर लो बनाए, हायर हाई बनाए, हायर लो बनाए, लोअर हाई बना सकता है, बट हायर लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है मार्केट लोअर हाई बना दे, बट हायर लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि स्विंग लो नहीं टूटना चाहिए, ये जो स्विंग लो है ना, ये नहीं टूटना चाहिए। जब तक ये स्विंग लो नहीं टूट रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। हो सकता है मार्केट अब यहाँ सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर चला जाए, है ना। अभी फॉर द टाइम बिंग यहाँ आपको देखने में लगेगा कि मार्केट ने लोअर हाई बनाया है, बट इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, स्विंग लो नहीं टूटना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब स्विंग लो टूटेगा ना दोस्तों, तो मार्केट का सेंटिमेंट हो जाता है बेरिश, उसके बाद मार्केट हो जाता है नीचे, चला जाएगा डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे ही जाएगा, और जब दोस्तों डाउन ट्रेंड रहेगा मार्केट में, तो मार्केट हमेशा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ ही मार्केट नीचे जाएगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है मार्केट का नीचे जाने का, ठीक है। मार्केट कभी भी ऐसे फ्लैट सीधे नहीं जाता, कभी नहीं जाएगा। अब जरा देख लीजिए यहां पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है इस तरह से लोअर लो, लोअर हाई के फॉर्मेशन में, तो ये स्विंग हाई नहीं टूटना चाहिए। जब तक स्विंग हाई नहीं टूटेगा दोस्तों, तब तक आप कंसिडर कीजिएगा कि मार्केट डाउन साइड में है, डाउन ट्रेंड में है, तब तक आप क्या करते रहेंगे, सेल करते रहेंगे दोस्तों, मार्केट में सेलिंग चलती रहेगी। और जैसे ही आपको ये दिख रहा है कि स्विंग हाई टूटा, जैसे ही ये स्विंग हाई टूटेगा, अब आपको तुरंत करना होगा बाई, क्योंकि अब मार्केट में ये डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, अब मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये मार्केट का कोर कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये अगर आप समझ लिए, इस पर अगर आपने प्राइस पर एक्सपर्टीज बना लिया, फिर कोई भी मार्केट हो दोस्तों, कोई भी टाइम फ्रेम हो, किसी भी चार्ट पे आप इत्मीनान से काम कर पाएंगे। चलिए, इस वीडियो में आज आपको इतनी चीजें सीखने को मिलेंगे ना, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जरा देखिए, मेजर जो फॉल आया है दोस्तों, यही वो जगह है जहां से मेजर फॉल आया है ना,
प्राइस आज यहां पे था, इसको भी हटा दीजिए, कल तक मार्केट यहां पे था, ठीक है। सो अभी आपको ये देखना है कि पीछे मार्केट कहां से मेजर गिरा है, यहां से देख रहे हैं मार्केट मेजर फॉल हुआ है, तो मार्केट ने जब ये फॉल किया है तो क्या हुआ, ये लोअर लो का फॉर्मेशन बनाया, फिर आप देखिए मेजर लो यही था, उसके बाद जब मार्केट ऊपर गया तो मेजर स्विंग हाई कहां था, यही था ना मेजर स्विंग हाई, फिर यहां से वापस मार्केट नीचे आया, मेजर स्विंग लो यही है, जरा देखिए, तो मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, देन सेम लो बनाया, सेम लो, अगर मार्केट इसे ब्रेक डाउन कर देता तो हम समझ जाते कि मार्केट कंटिन्यू हो चुका है सेम डायरेक्शन में डाउन साइड की तरफ, बट मार्केट ने क्या किया, यहां पर दो बार सपोर्ट ले लिया, एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, दूसरी बार सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर गया, तो जब मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो दोस्तों अब ये कहां तक जाएगा, यही हमारा मेन टारगेट होगा, ये स्विंग हाई, और अगर ये मार्केट नीचे ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट टारगेट कहां होता, ये होता हमारा नेक्स्ट टारगेट, यही होता हमारा टारगेट, है ना। तो आपको लेवल्स पहचानना बहुत जरूरी है, अगर आप लेवल्स पहचान लेते हैं तो आप इत्मीनान से ट्रेड में बैठे रह जाएंगे और आपको घबराहट नहीं होगी कि मार्केट नेक्स्ट कहां तक जाएगा। तो जरा आप लोग सोचिए, मैं बगल में इसको मैं रीड कर रहा हूं, जरा बताइए, मार्केट अगर ऐसे आया, लोअर लो बना, मार्केट ने लोअर हाई बनाया, तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये सपोर्ट मार्क किया, आपने क्या किया, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया, अब जब मार्केट लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर यही वो जगह है जहां से मार्केट नीचे आया, देखिए मार्केट नीचे आया, तो अब एक आपने हाई मार्क किया, एक लो मार्क किया, अब ये जो जहां से मार्केट गिरा है इसे मार्क कर लीजिए, तो आपके पास क्या क्या चीजें हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर मार्केट में यहां पर कोई प्राइस एक्शन बनता है दोस्तों ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो मार्केट कहां तक जाएगा, पहले तो इस टारगेट को अचीव करेगा दोस्तों, अगर यहां पर कोई प्राइस एक्शन बन के ब्रेकआउट अगर होता है तो नेक्स्ट टारगेट कंफर्टेबली यहां जाएगा मार्केट, और कहां जा सकता है, और अगर ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा उसके आसपास जाएगा, क्लियर है ना। तो चलिए अभी हम लोग इसको समझते हैं कि मार्केट ने जरा देखिए ये एक रेजिस्टेंस बनाया था और ये सपोर्ट बनाया था, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे थे, ये सपोर्ट था प्लस ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल था, अभी मैं लेवल मार्क करूंगा, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारा एक लेवल था, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आज मार्केट में क्या होने वाला था, अगर मैंने लास्ट डे भी डिस्कस किया था कि हो सकता है मार्केट खुले गैप डाउन आ जाए, मार्केट अगर यहां खुलता है फ्लैट और यहां कोई सेलिंग आती है, जिन्होंने प्रीवियस डे का वीडियो नहीं देखा है एक बार जाके देख ले, मैंने ये डिस्कस किया था और क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि यहां पर अगर मार्केट फ्लैट, यहां पर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो रेजिस्टेंस है ये दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है, तो यहीं पर अगर फ्लैट खुलता है तो रेजिस्टेंस के पास कोई भी सेलिंग पैटर्न बनेगी तो मार्केट आएगा नीचे। क्यों नीचे आएगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट हायर हाई बनाया था, ये रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट ऊपर गया था हायर हाई बनाया था, अब यही वो जगह है जहां से ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, ये वो जगह है जहां से मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। सो मार्केट अगर हायर हाई बनाया है तो हायर लो बनाने आएगा, हायर लो बनाने आएगा दोस्तों, उसके बाद हो सकता है लोअर हाई बना के ब्रेक डाउन कर दे, या तो फिर मार्केट यहां से निकल जाए ऊपर की तरफ, यहां से निकल जाए ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। सो प्राइस एक्शन को फॉर्मेशन, प्राइस एक्शन को मार्केट फॉलो करेगा ही करेगा, बिना प्राइस एक्शन के मार्केट जा ही नहीं सकता दोस्तों। सो अब जरा देख लीजिए ये मार्केट जहां पर है, यहां पर दिखा देता हूं, ये जो मार्केट जहां पर है, मैं लेवल्स ड्रॉ कर देता हूं, ये जरा देखिए, इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों, मैं जो ट्रेड लिया हूं इंट्राडे में वो इतना इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैंने इसके ऊपर एक लाइव वीडियो भी बनाया था, लाइव रिकॉर्ड करके ड्यूरिंग मार्केट आर में, मैं उससे कंपेयर करूंगा तो आप लोगों को, और जो कॉन्फिडेंस जिन लोगों के मन में ना वो फीलिंग आ रही है कि मार्केट मेरे लिए नहीं है, मार्केट छोड़ देना चाहिए, उन लोगों को तो स्पेशली इस वीडियो को देखना चाहिए, आपको ट्रेडिंग छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस बने रहिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो जो मैं बना रहा हूं उसको देखते रहिए, ठीक है। आपको मार्केट को छोड़ के जाने की कहीं जरूरत नहीं है। ये जरा देखिए, ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं, सारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो अब जरा देखिए मार्केट अगर ऊपर गया था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस, तो अगर ये फ्लैट ओपन होता, यहाँ यहाँ फ्लैट ओपन होता तो अगला सपोर्ट कहाँ होता दोस्तों, यही होता है ना, तो हायर हाई हायर लो बनाता, लेकिन मार्केट ने ओपनिंग कहाँ दिया, मार्केट ने ओपनिंग दिया यहाँ, तो जब यहाँ ओपनिंग दिया है और ऊपर देख पा रहे हैं ये 52,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, साइकोलॉजिकल नंबर, सो मार्केट यहाँ ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया, अब ये देखिए सपोर्ट के पास ही क्लोज हुआ है ना, ये सपोर्ट है कि नहीं दोस्तों, ये जरा देख पा रहे हैं, यही वो लेवल था जहां से रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, फिर मार्केट ऊपर गया था, यहीं से रेजिस्टेंस लिया था, फिर मार्केट ऊपर से जब नीचे आया था, यहां जाते वक्त देख रहे हैं स्ट्रगल किया था, तो वापस जब मार्केट ऊपर गया है, वापस आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, तो देखिए सपोर्ट के पास है। सो मार्केट ने आज क्या किया है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज दे दिया है, कोई बात नहीं, मार्केट इस रेंज के अंदर में है। अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होकर ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट टारगेट कहां तक जाएगा मार्केट, यहां नीचे, अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो कहां तक आएगा मार्केट, नीचे, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है ना, ऐसे ही अचीव करेंगे हम। ये जरा देख रहे हैं मैक्सिमम टचेस, यहां आएगा मार्केट, ये टूटेगा तो मार्केट यहां आएगा, वेरी क्लियर। सो अब जरा देखिए कि हम लोगों ने इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड प्लान किया है, आपको वो समझने की जरूरत है। ये जरा देखिए इंट्राडे में मैंने जो ट्रेड लिया है, पहले आप लोगों को टेलीग्राम ओपन करता हूं, क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है
उसमें ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए हैं। और ड्यूरिंग मार्केट आया दोस्तों, मैं ट्रेड जो लेता हूं उसका चार्ट मैं शेयर करता रहता हूं। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो अभी के अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और टेलीग्राम का लिंक ओपन करें और तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर में कुछ चार्ट्स वगैरह पोस्ट करता हूं। अगर आपको उस ड्यूरिंग मार्केट आवर को ज्वाइन नहीं करना है, आप ट्रेड पे फोकस करना चाहते हैं, आप जुड़े रहिए। आप क्या कीजिए, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे मैं वीक में 3 दिन में इंडेक्स एनालिसिस पर फ्री में एनालिसिस करता हूं और ऑल ओवर इंडिया से लोग वहां जुड़ते हैं, तो काफी लोग वहां आते हैं और सीख कर जाते हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी वहां पे बेनिफिट ले सकते हैं। सो अभी कभी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लें। सो जरा देखिए दोस्तों, सुबह सुबह जो मैंने चार्ट शेयर किया है वो ये देख रहे हैं, ये 10:52 पे 10:52 पे मैंने चार्ट शेयर किया था। तब मार्केट में इस वक्त कैंडल क्या बना था ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में कैंडल जो बना था ये 2G जैसा था। सो अभी आप देखिए इंपॉर्टेंट लेवल ये था, ये चार जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल थे वो मैंने मार्क करके डेली टाइम फ्रेम पे पोस्ट किया था। और मार्केट जब ओपन हुआ था, सॉरी 10:52 पे जब मैंने शेयर किया था, तब डेली टाइम फ्रेम पे इस तरह का कैंडल बना हुआ था 2G की तरह। नेक्स्ट जो मैंने चार्ट पोस्ट किया था, जरा देखिए नेक्स्ट मैंने जो चार्ट पोस्ट किया है वो ये चार्ट पोस्ट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ ये चार्ट पोस्ट किया है। तो जब ये चार्ट पोस्ट किया है मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे, सेम मतलब मैं बस टाइम फ्रेम शिफ्ट करता जा रहा हूँ, टाइम वही है लगभग, लेकिन बस मैं टाइम फ्रेम शिफ्ट करता जा रहा हूँ। अब आवरली टाइम फ्रेम पे जो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैंने मार्क कर लिया, डेली लेवल पे मार्क था ये लेवल सारा मार्क था, बस बीच में मैंने ये एक लेवल मार्क कर लिया आवरली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंट्राडे के लिए। तो जो यहाँ पर मैक्सिमम टचेज है, मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना रहा है उसे जरूर मार्क कीजिए। जैसे ये देख पा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसे मैंने मार्क कर दिया। सो मार्केट आज ओपन हुआ है यहाँ पर, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दे दिया है ना। सो अगली कैंडल मार्केट आई, ये देखिए सपोर्ट तक टच हुआ, उसके बाद मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो ये आवरली टाइम फ्रेम था। अब नेक्स्ट जरा देखिए, अब जब मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पोस्ट किया है मार्केट, तब कैसा था जरा देखिए, मार्केट ने यहाँ लोअर लो बनाया था, लोअर हाई, ये लगभग सेम लो ही है, फिर मार्केट यहाँ ऊपर इस एरिया के पास पहुंचा है। तो दोस्तों अगर यहाँ मार्केट पहुंचा हुआ है तो अभी क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अगर एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा वेरी क्लियर यहाँ तक होना चाहिए, और अगर ब्रेकडाउन होगा तो हमारा ये टारगेट होगा। क्यों होगा ये टारगेट दोस्तों, क्योंकि ये लोअर लो बनाया है, लोअर हाई बनाया है, फिर देखिए मार्केट नीचे आके यही वो लेवल से ब्रेकआउट हुआ है। सो अगर मार्केट नीचे अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन देगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। लेकिन मैंने जब पोस्ट किया तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे था। अब आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अब जरा देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मार्केट जरा देखिए ये प्राइस एक्शन कितने खूबसूरती के साथ काम किया है। लास्ट डे जो हमारे 12th बैच में है, क्योंकि कल का जो क्लास था, आज है बुधवार, मैं मंगलवार और बृहस्पतिवार मेरे 12th बैच के क्लासेस होते हैं, तो 12th बैच में मैंने बहुत क्लियरली बताया था। जो लोग देख रहे होंगे 12th बैच वाले, वो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यस सर मैंने देखा था, ठीक है, यस लिख दीजिएगा मैं समझ जाऊंगा। तो जरा देखिए मार्केट जब यहां से ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, हायर हाई बनाया था, हायर लो बनाया था, फिर ये देखिए स्विंग, एक स्विंग लो, दो स्विंग लो बना के जा रहा था। तो मैंने आप सब लोगों को बताया था क्लास में कि अब ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन टूटा, ये स्विंग लो टूटा, तो मार्केट पहला जो टारगेट होगा यहां तक आएगा, मार्केट यहां तक पहला टारगेट होगा, और ये ब्रेकडाउन होगा तो ये हमारा दूसरा टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा, ये मैंने बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया था। तो जो अग्रीड होंगे वो बताइएगा कि यस हाँ आप अग्री हैं। अभी जरा देखिए मार्केट ओपन हुआ, यहां पर मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट देख रहे हैं यहाँ ऊपर पहुंचा हुआ है इस तरह से। तो अगर ओवरऑल रीडिंग मैं करूं तो क्या है, लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, लगभग यहां पर है मार्केट, है ना, यहां पर है। सो अब आपको ध्यान देना है कि मार्केट बॉटम से अगर एक बार में ऊपर की तरफ गया है तो कभी भी ब्रेकआउट हो तो बाई मत कीजिएगा, वेट कीजिए, एक कंसोलिडेशन अगर होता है उसके बाद ब्रेकआउट हो तो बाई कीजिए, पहला टारगेट आपको आराम से यहां तक मिलेगा। और अगर मार्केट में ब्रेकडाउन होता है, अगर यहां से मार्केट में ब्रेकडाउन अगर होता है, स्विंग लो टूटा, ये लेवल टूटा, तो सीधे मार्केट यहां आएगा, ठीक है, वेरी क्लियर, सीधे मार्केट नीचे यहाँ आएगा। तो जरा देखिए जब मैंने ट्रेड लिया है तब उस वक्त ये पोजीशन था, ये जरा देखिए। अब एक मिनट के टाइम फ्रेम पे जरा गौर से देखिएगा, सेम चार्ट, सेम इंडेक्स, मैंने बस अब 15 मिनट को 5 मिनट, 5 मिनट को मैंने 1 मिनट में किया है, बिल्कुल सब वही है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस इस तरह का बना के रखा था, तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट लेवल बना के रखे थे। ये मैं डे का हाई मार्क किया था, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए था क्योंकि दोस्तों जब भी याद रखिएगा मार्केट में जहां से मेजर फॉल आता है तो यही हमारा मेजर ब्रेकडाउन एरिया होता है। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा ना तो एक हर्डल यहाँ फेस करेगा, इसे मैं डाइसेक्शन पॉइंट कहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट आएगा, एक बार हर्डल जरूर फेस करेगा। तो जरा देखिए मार्केट यहाँ नीचे आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ जाके इस तरह से वो यहाँ ऊपर पहुंच रहा था। तो जब मार्केट यहाँ ऊपर पहुंच रहा था
अभी ये इतना बाकी था तभी मैंने आप लोगों को देखी जरा, मैं यहाँ पे लिख के मैंने भेजा था, जब मैंने चार्ट ओपन चार्ट शेयर किया था तो उसके बाद ही मैंने यहाँ पर भेजा था आप लोगों को लिखकर कि अभी प्लीज ये जरा देखिए। इस चार्ट को भेजने के बाद मैंने तुरंत लिखा था कि इफ देयर इज एन अपसाइड ब्रेकआउट अराउंड द 52,100 लेवल, डोंट रश टू बाई इमिडिएटली। ठीक है, मैंने लिखा था कि 52,100 के ऊपर अगर तुरंत ब्रेकआउट होता है तो इमिडिएटली कोई भी बाई मत कीजिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे से ऊपर गया है और वो एक एरिया हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो मैंने लिखा था कंसिडर बाइंग ओनली आफ्टर अ गुड कंसोलिडेशन, अगर एक अच्छा कंसोलिडेशन होता है उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो ही बाई करना है, अदरवाइज बाई नहीं करना है। हाउ एवर बी फुल्ली प्रिपेयर फॉर सेलिंग, मैंने लिखा है कि एकदम तैयार रहेगा सेलिंग के लिए कि इफ एनी सेलिंग पैटर्न फॉर्म्स सेल इमिडिएटली एंड यू कैन मेक अ क्विक प्रॉफिट। ठीक है, मैंने ये लिखा था कि अगर यहाँ पर मार्केट में अगर ब्रेकडाउन अगर होता है, इस जगह पर ब्रेकआउट अगर हुआ तुरंत तो कोई मत बाई कीजिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी अगर आने के बाद रेजिस्टेंस के पास कोई सेलिंग पैटर्न बना तुरंत सेल कीजिएगा, मार्केट यहाँ आएगा तुरंत आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। ये मैंने लिखकर भेजा था इस चार्ट को पोस्ट करने के बाद, तब देखिए मार्केट में अभी ये प्राइस पहुंचने वाला था ऊपर। उसके बाद जरा देखिए ये जरा देखिए, जैसे ही मार्केट यहां पहुंचा रेजिस्टेंस का कमाल देखिए, ठीक उसी जगह पहुंचा रेड कैंडल बना, तो जैसे ही रेड कैंडल बना आपको समझ जाना है कि सेलिंग आनी शुरू हो गई। तो अब इस कैंडल का लो जैसे ही टूटा मैंने सेल किया, ये मैंने स्टॉप लॉस लगाया और यही मेरा टारगेट था दोस्तों, 1:2 लिया मैंने निकल गया, बिल्कुल क्लियर है मार्केट आ गया इस जगह पे। अब जरा देखिए आपको ध्यान रखना है हर वक्त कि जब भी प्राइस यहां पर रहे, लेटेस्ट जहां प्राइस रहता है दोस्तों, आपको एक एक कैंडल रीड नहीं करना है, आपको मेजर पूरा ट्रेंड को कंसिडर करना होता है। तो जरा देखिए यही वो जगह है जहां से मार्केट नीचे आया है दोस्तों, यही वो जगह है। तो डे का हाई ये है, डे का लो ये है, तो जरा देखिए रीड कीजिए ये क्या बना है, लोअर लो बना है, मार्केट अभी ऊपर गया है ये लोअर हाई बना है, अब यही वो जगह है जहां से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी ये किस तरह का फॉर्मेशन है, लोअर लो लोअर हाई और इस तरह से है ना, हायर लो है। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में अब एक लेवल ये बन गया, एक लेवल ये बन गया, एक लेवल ये बन गया, देख रहे हैं ये डे का हाई डे का लो और अभी लोअर लो लोअर हाई ये है, तो एक लेवल ये है। अब मार्केट यहां पर है, इस जगह पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कोई भी प्राइस एक्शन बनता है, अगर सोचिए मार्केट ये सपोर्ट के पास है, यहां कोई बाइंग अगर होती है तो ये सपोर्ट होगा, बाइंग अगर होती है तो मार्केट अगला तुरंत टारगेट यहां तक जाएगा तुरंत, और अगर ये कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट होगा तो तुरंत ये नेक्स्ट टारगेट होगा, और अगर ये ब्रेकडाउन अगर होता नीचे की तरफ तो नीचे सीधे मार्केट यहां आएगा, क्लियर, बीच में कहीं नहीं रुकेगा मार्केट। ये आपको समझना होगा कि अगर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो सीधे मार्केट यहाँ आएगा। तो जरा देखिए जैसे ये ट्रेड मेरा कंप्लीट हुआ है, मैंने नेक्स्ट चार्ट आप लोगों के साथ ये शेयर किया है, जरा देखिए मार्केट ने क्या बनाया है, हायर हाई बनाया है, हायर लो बनाया है ना। सो जब हायर हाई हायर लो बन जाए तो यहाँ क्या करना है, कोई भी बाइंग पैटर्न बना तो बाई कीजिए, अगला टारगेट यही होगा हमारा, लेकिन अगर मार्केट में कहीं हायर हाई बना, हायर लो बना, लोअर हाई बन के ब्रेकडाउन हो तो तुरंत सेल कीजिए, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, और अगर मार्केट यहाँ आया कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हुआ तो तुरंत सेल कीजिए, मार्केट यहाँ आएगा, वेरी क्लियर। ठीक है, मार्केट ऐसे ही चलेगा दोस्तों, ऐसे ही चलेगा और हर दिन चलेगा ऐसे ही, ये आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट में जो चार्ट आप रीड करते हैं ना वो रिपीट होता रहता है, सेम पैटर्न में मार्केट मूव करता रहता है। आज जो मार्केट में पैटर्न बना है आप देखेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर दोबारा मार्केट वैसे ही बनेगा, वैसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, आप लोग इस पे बिल्कुल डाउट ना करें, प्राइस ऐसे ही मूव करता है। अगर आपको डाउट है तो जरा सोचिए कि जिन्होंने जो जापानीज जो ट्रेडर थे जिन्होंने कैंडलस्टिक बनाया उस टाइम में, जब उन्होंने लिखा हैमर शूटिंग स्टार, उन्होंने पियर्सिंग लाइन डार्क क्लाउड कवर, ये सब जितने भी कैंडलस्टिक का नाम लिखा था वो आज भी वही कैंडलस्टिक चल रहा है ना, और वही कैंडलस्टिक पे हम रीड कर रहे हैं। मतलब जब प्राइस वही है, पैटर्न फॉलो वही करता है, मार्केट सेम ही पैटर्न में मार्केट मूव करता है, सेम ही कैंडल स्टिक बनाता है, तो आपको कैसे लगता है कि मार्केट आज जो पैटर्न बनाया है वो 2-4 दिन 5 दिन के अंदर नहीं बनाएगा, हो सकता है 10 दिन बाद बनाए, बट बनाएगा जरूर। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि इतनी बार आपने प्रैक्टिस कर लिया हो कि आज जो मार्केट में फॉर्मेशन हुआ अगर 2 दिन बाद बने तो तुरंत उसको ट्रेड ले लीजिए, तुरंत कुछ दिन बाद बने तुरंत ट्रेड लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये पहले ऐसा बन चुका है तो आज भी वैसा ही होगा। तो मैं आज दिखाऊंगा दोस्तों आप लोगों को कि कैसे मैं पहले भी ट्रेड ले चुका हूं इस तरह से और आज भी वैसे ही फॉर्मेशन हुआ और मैंने सेम ट्रेड लिया है। तो जरा देखिए मार्केट अभी यहां आया, ये मार्केट ने क्या बनाया, लोअर लो बनाया, मार्केट ने हाई से गिरा, मार्केट लोअर लो बनाया था, फिर मार्केट ऊपर गया लोअर हाई बनाया। अब जरा देखिए एक लेवल मार्क हुआ, दूसरा लेवल मार्क हुआ, अब यहाँ तीसरा लेवल मार्क हुआ, अब मार्केट यहाँ कहाँ आया था देखिए, जरा एक इंपॉर्टेंट लेवल था यहाँ आया, मार्केट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद जरा देखिए ये लोअर हाई बनाया, तो ये ब्रेकडाउन होगा तो अभी मैंने बताया ना पहला टारगेट हमारा ये होगा, अब अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट सीधे यहां तक आएगा, है ना। सो ये ट्रेड था, उसके बाद ये सेकंड ट्रेड था, नेक्स्ट जो है मैंने चार्ट पोस्ट किया है जरा देखिए यहाँ पर, अभी आवली टाइम फ्रेम है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझिए, आवली टाइम फ्रेम पे मैंने पोस्ट किया है कि मार्केट अभी ये हाई ये लो, अभी मार्केट यहाँ बीच में है,
अब अगर यहाँ बीच में मार्केट है, ब्रेकडाउन अगर होता है तो मार्केट ये टारगेट देगा, ब्रेकआउट होगा तो ये टारगेट होगा, वेरी क्लियर। ठीक है, अभी जरा देखिए, अब मैंने आप लोगों को ये चार्ट भेजा 15 मिनट का। अब 15 मिनट पे जब मैंने चार्ट भेजा है दोस्तों ना, यहाँ जब मैंने चार्ट भेजा है, मैं तुरंत जाके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में गया था। जरा टाइम देख लीजिए, ये जो चार्ट मैंने भेजा था, आप लोग टेलीग्राम खोल के देख लीजिए, 11:20 पे मैंने चार्ट शेयर किया था, 11:20 पे। तो जब मैंने ये चार्ट पोस्ट किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तुरंत मैं 1 मिनट में जाके देखा कि वहां पर प्राइस एक्शन बन रहा था दोस्तों। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ, ये 11:20 का चार्ट है, 15 मिनट का, मैं आप लोगों को रुके दिखाता हूँ, ये जरा रुक जाइए, 11:20 पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर आपको एक क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, जरा देखिए, ये 1 मिनट का चार्ट है और 11:20 पे आइए, मैं भी सारे लेवल्स को हाइड कर देता हूँ। ये जरा देखिए, 11:20 पे दोस्तों यही लेवल था, ऐसा था मार्केट। अब जरा देख लीजिए, हाँ ऐसा, क्लियर, सभी को दिख रहा है चार्ट? हाँ, तो अभी जरा देखिए कि 11:20 कहाँ है दोस्तों, ये मैं कर्सर लगा देता हूँ तब समझ पाएंगे आप। 11:20 यहाँ पर है, ये जरा देखिए, इस कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना, ये ग्रीन कैंडल। तो 11:20 पे ठीक ठाक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा था, कैसे मैं दिखा रहा हूँ, मार्केट यहाँ से गिरा है दोस्तों, इसको मैं आगे थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ तब समझ पाएंगे ये लेवल। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से गिरा, ये लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, लोअर हाई था, फिर मार्केट यहाँ आया। ठीक है, अभी जरा देखिए, ऊपर का लेवल मार्क हो चुका है, नीचे का लेवल मार्क हो चुका है। अब जब मार्केट, आपको ध्यान रखना है कि यहां से क्यों रिजेक्शन लिया, क्योंकि दोस्तों जब ये प्राइस ऊपर गया था ना, यहाँ पे जो ये ब्रेकडाउन होता है, यही हमारा मेजर लेवल होता है दोस्तों, ये हमारा मेजर लेवल होता है। तो देखिए, मार्केट जब ऊपर गया है, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था, नीचे आया, तो अब इसको आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए, इसे आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए। तो अब यहाँ जरा देखिए, इस जगह पे, इस जगह देखिए जरा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह फॉर्मेशन में जा रहा था, तो एक ट्रेंड लाइन बन रहा था दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। तो जैसे ही लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, सॉरी, लोअर लो, लोअर हाई, फिर हायर लो ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया है दोस्तों, इस जगह पे ट्रेड लिया है। तो जैसे ही यहाँ ट्रेड लिया है, मैंने स्टॉप लॉस मैंने ये लगाया था। तो जरा आप मुझे बताइए, इस पूरे चार्ट को देखिए, ये कैसा चार्ट है, ऐसा लोअर लो है, लोअर हाई है, यहाँ हायर लो है, ये लेवल मेरे पास है, ये लेवल मेरे पास है, ये लेवल है मेरे पास, यहाँ से मार्केट टर्न हुआ है, तो ये मेरे पास लेवल है। अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है और ये ब्रेकआउट हो रहा है, ऐसे करके प्राइस एक्शन बन के ब्रेकआउट हो रहा है, ये सपोर्ट है। तो पहला टारगेट क्या होगा दोस्तों, यही होगा ना हमारा पहला टारगेट, और अगर ये ब्रेकडाउन होता तो ये टारगेट नीचे होता, तो ये पहला टारगेट होगा, और अगर मार्केट ये ब्रेकआउट करेगा तो सेकंड टारगेट हमारा यही होगा, बिल्कुल क्लियर है। तो जरा देखिए, मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ, थोड़ा चार्ट को छोटा करता हूँ, जरा देखिए ये मार्केट कितनी खूबसूरती के साथ मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देखिए लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट। तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, ये मेरा टारगेट था, क्योंकि यहाँ पर ये डाइसेक्शन पॉइंट था दोस्तों, ठीक है, ये मेरा सेकंड टारगेट था, ठीक है, सेकंड टारगेट था, ये मेरा लो मार्क था और ये मेरा एक लेवल मार्क था इस तरह से। अभी जरा देख लीजिए, लोअर लो, लोअर हाई, ये मार्केट ने हायर लो बनाया, ये ब्रेकआउट हुआ, मैंने बाई किया, ये मेरा स्टॉप लॉस, मार्केट यहां तक पहुंचा, मेरा टारगेट यहां था पहला, ये पहला मेरा टारगेट था, मार्केट यहां पहुंचा, मार्केट नीचे आने लगा, मार्केट यहां अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, बहुत देर तक मार्केट रहा, एक हाई बनाया, दो हाई बनाया, तीन हाई बनाया, ये मैं श्योर हो गया था दोस्तों कि मार्केट अभी इतनी बार यहां आके रेजिस्टेंस फेस किया है, अभी ब्रेकआउट होगा तो ये मेरा पहला टारगेट तो हिट होगा ही होगा, और ये बहुत मोमेंटम के साथ ये टारगेट हिट होगा। अगर आप लोगों को ये यकीन ना हो तो आप लोग एक काम कीजिए, 8th of October को जाके आप देखिए, मेरे चैनल पे जाइएगा, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, ये एक मैंने वीडियो डाला हुआ है, ये जरा देखिए, किसी ने ऐसा लाइव ट्रेड नहीं देखा होगा, मैंने 8th of October को डाला था, लाइव ट्रेड, लाइव मार्केट में मैंने लाइव ट्रेड लिया था, और सेम फॉर्मेशन हुआ है मार्केट में, सेम इसी फॉर्मेशन के साथ मैंने ट्रेड लिया है, और उस वीडियो में मैंने कहा भी है, जाके आप जरा देखिएगा, लाइव ट्रेड मैंने लिया है, मैंने कहा है कि अब ये ब्रेकआउट होगा, पहला टारगेट मेरा ये होगा, पहला टारगेट मेरा ये होगा, और ये ऊपर भी जाएगा नेक्स्ट लेवल तक, ठीक है। क्योंकि आपको समझना है, मार्केट जब मैंने ट्रेड लिया था ना, जरा देखिए मैं समझाता हूँ, जब मैंने ये ट्रेड लिया था दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड लिया था, तब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, तो मुझे लगा अब ये यही मेरा टारगेट होगा, लेकिन मार्केट अभी इतना कंसोलिडेशन शुरू करते करते यहाँ तक पहुंच गया ना, इतनी बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो मुझे बिल्कुल यकीन था कि अब ये ब्रेकआउट होगा, तो मोमेंटम में इसे तो टच करेगा, नेक्स्ट टारगेट तक भी आएगा। बट आप सब लोगों को क्या करना है, जो भी आपका लेवल है टारगेट का, वो अचीव कीजिए, और अगर मौका मिलता है, सेकंड टारगेट अगर मिल गया या फिर फर्स्ट टारगेट मिल गया, तुरंत निकल जाइए या कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप टाइम पे नहीं निकलेंगे तो लेवल्स हमेशा ध्यान रखिएगा, यही वो जगह है जहां से मार्केट में इतनी गिरावट आई है, यही वो जगह है इतनी गिरावट आई है। तो मेजर सेलर यहां बैठे होंगे दोस्तों इस जगह पे, ये जरा समझिए कि इस जगह से मार्केट इतना नीचे आया है तो सारे मेजर सेलर यहीं बैठे होंगे,
तो यहां जाएगा मार्केट, और आप और अगर ग्रीडी रहेंगे कि मार्केट और ऊपर जाएगा तो आपको सावधान हो जाना है कि मार्केट यहां से गिरेगा, फिर गिरेगा मार्केट, ठीक है। तो अल्टीमेटली देख रहे हैं मार्केट फिर वहां आ गया नीचे, देख पा रहे हैं जहां तक गिरा था मार्केट फिर नीचे आ गया है ना। सो आप लोगों को ये बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना होता है। तो जरा देखिए मैं ट्रेड जो मैंने लिया था वो मैं शेयर करता हूँ। तो ट्रेड लेने के पहले ये मैंने चार्ट पोस्ट किया था। अब जरा देखिए सेकंड, ये तो फर्स्ट ट्रेड हो गया मेरा, ये फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट हो गया। सेकंड ट्रेड मैंने ये लिया था, ये सेकंड ट्रेड था। अब थर्ड ट्रेड जरा देखिए, ये मैंने ट्रेड जो लिया है, जरा देखिए ये जो ट्रेड लिया था अभी आपको दिखाता हूं। ये मैं 1:06 पर मेरा ट्रेड कंप्लीट हुआ है। मैंने ट्रेड लिया था कितना दोस्तों, 11:20 पे लिया था ट्रेड, 11:20 पे लिया है मैंने ट्रेड, यहां पर लिया है मैंने ट्रेड। स्टॉप लॉस मैंने स्विंग लो यहां लगाया था उसके लो का, तो ये जरा लोअर लो बना था, लोअर हाई बना था, हायर लो बना है। ये मेरा टारगेट था क्योंकि यहीं से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, तो ये मेरा टारगेट था दोस्तों। देखिए मैंने सेट भी करके रखा था ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस। हाँ, अब मार्केट में क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहां तक गया लेकिन मार्केट नीचे आ गया। तो जब नीचे आता है डर मुझे भी लगता है कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा, बट आपको ये समझना है दोस्तों कि मार्केट ने लोअर लो बनाया है, लोअर हाई बनाया है, हायर लो बनाया है, ये लेवल है। अब अगर यहाँ ब्रेकआउट होगा तो यही मेरा टारगेट होगा, ये अगर ब्रेकडाउन होगा तो यही मेरा टारगेट होगा, अगर ये ब्रेकआउट होगा तो यही मेरा टारगेट होगा, एकदम क्लियर है। तो बीच में मैं नहीं निकल सकता दोस्तों। तो बीच में क्या हुआ दोस्तों, ये बहुत देर तक मार्केट यहाँ अटका के रखा था, ठीक है। सो अब जरा देखिए ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, मार्केट ऑलरेडी तीन बार इस रेंज के अंदर में ही तीन बार मार्केट जाके रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, तीन बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, मैं सोचा था यहाँ अपना टारगेट बुक कर लूंगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि लेवल्स का हमेशा ध्यान रखना है कि यही वो लेवल है जहां से मार्केट नीचे आया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। तो पहले कुछ क्वांटिटी या अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या तो फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या तो अगर कन्विक्शन मिल रहा है तो वेट कीजिए। तो जैसे ही मैं यहाँ टारगेट हिट हुआ मेरा, मैं निकलने वाला हूँ, मोमेंटम में मार्केट ऊपर चला गया, तो मैं यहाँ जाके निकला हूँ, ठीक है, मैं यहाँ जाके निकला हूँ। तो मुझे इसमें काफी अच्छा खासा मुझे यहाँ प्रॉफिट हुआ है, बट मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है, क्योंकि ये जब लेवल टूट के निकल गया ना, ये लेवल जब टूट के निकल गया है तो नेक्स्ट टारगेट ये है। बीच में से मार्केट नहीं आएगा, मार्केट आएगा ऊपर, मार्केट यहां पहुंचा, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आया। ये जरा देखिए ये वही लेवल है, मैंने चार्ट पोस्ट भी किया था, फिर उसके बाद मैंने लाइव मार्केट में मैंने ये चार्ट ये मैंने पोस्ट किया था समझाने के लिए कि जरा देखिए इस तरह का फॉर्मेशन था, तो किस अगर इस तरह का फॉर्मेशन हो तो कैसा प्लान करना है, ऐसा फॉर्मेशन होगा तो कैसा प्लान करना है, ऐसा फॉर्मेशन हो तो कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो जरा देखिए लोअर लो बना था, लोअर हाई बना था, यहां मैंने ट्रेड लिया था, तो पहला टारगेट मेरा ये था, मार्केट ऊपर गया, देखिए ठीक इस टारगेट को अचीव किया, उसके बाद गिरावट आई तो वापस मार्केट ये सपोर्ट, ये ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट सीधे यहां आएगा, ये ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट सीधे यहां आएगा, आएगा ना मार्केट, ठीक है। सो मार्केट आज यहां आ भी गया, यहां मार्केट आ भी गया। तो इस तरह से ट्रेड प्लान करना है दोस्तों। तो लाइव मार्केट हो चाहे आप इस तरह से मार्केट आर के बाद अगर आपको ध्यान देना है, स्टडी कर रहे हैं, ये आपको समझना है मार्केट का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो समझना है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे दोस्तों, आप मार्केट में स्ट्रगल करते ही रहेंगे। सो ये मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कुछ वैल्यू मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है दोस्तों, अगर आपको मार्केट में परेशानी हो रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज आप पैसे ना गवाएं मार्केट में, बेटर है कि क्लासेस ज्वाइन करें। हमारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं 16th November से, आप क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नाम और नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूं, फिर मिलता हूं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय।